प्राइवेट जॉब करता था और अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। उस शहर में एक बार एक महात्मा जी का काफिला आया, काफी बड़ा काफिला, और पूरे शहर में ये चर्चा हुई कि महात्मा जी सभी की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। वो युवक भी महात्मा जी से मिलने पहुंचा और उनसे बोला कि महात्मा जी मैं बहुत परेशान रहता हूं, कभी मेरी सेहत खराब रहती है, कभी ऑफिस में टेंशन रहती है, कभी घर में अनबन रहती है, कुल मिलाकर मैं बहुत दुखी हूं, मेरी इन परेशानियों को आप कृपया दूर करें। महात्मा जी उस युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि बेटा मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, अब शाम आज बहुत हो गई है, तुम रात भर यही रुको, सवेरे मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा छोटा सा काम करोगे? महात्मा जी की बात सुनकर युवक ने कहा बिल्कुल, आप जैसी आज्ञा दें बिल्कुल मैं करने को तत्पर हूं। महात्मा जी बोले कि मेरे काफिले में 100 ऊंट हैं, तुम्हें रात में इनकी देखभाल करनी है और जब ये 100 ऊंट सो जाएं तुम भी आराम से सो जाना। सुबह हुई, महात्मा जी उठे, युवक उनसे मिलने आया, उनसे महात्मा जी ने पूछा कि भाई रात में नींद ठीक से आई क्या? उस युवक ने बेहद बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, कहां महात्मा जी, जब एक ऊंट सोता तो दूसरा खड़ा हो जाता, तो तीसरा सोता तो चौथा, तो रात भर मैं सो नहीं पाया। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा जीवन में समस्याएं भी इसी ऊंट की तरह होती हैं, जब एक खड़ी होती है तो दूसरी बैठ जाती है, लिहाजा अपने जीवन में इन समस्याओं के साथ आनंद ढूंढने का प्रयास करो, जो समस्याएं हल होनी हैं वो स्वतः समय के साथ हल हो जाएंगी और जो हल न हो पाए उनको समय पर छोड़ दो, वो समय के साथ हल होंगे। तो भाई हमारे साथ आज वो पांच कवि हैं जो अपनी बेहतरीन रचनाएं लेकर आपके सामने आने वाले हैं, उन पांचों को मैं क्रमानुसार बुलाऊंगा, उनसे आपका तारुफ कराऊंगा और उसके बाद कविता और शायरी का दौर शुरू होगा। तो सबसे पहले स्वागत करिए कौशाम्बी के कुमार विकास का। कर रहा हूं राजेश राज की। क्षेत्र में हैं और इन्होंने एमसीए करने के बाद नौकरी नहीं की क्योंकि ये स्किल इंडिया में विश्वास रखते हैं, ये स्वयं अपना उपक्रम शुरू कर दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देने का जज्बा रखते हैं। ऐसे कवि को आवाज दे रहा हूं कुमार विकास। कभी गम से कभी तो बेबसी से इश्क हो बैठा, कभी गम से कभी तो बेबसी से इश्क हो बैठा, लगी दिल से लगी तो दिल लगी से इश्क हो बैठा, किसी के इश्क में पढ़कर शुरू की शायरी मैंने, किसी के इश्क में पढ़कर शुरू की शायरी मैंने, हुआ फिर यूं कि मुझको शायरी से इश्क हो बैठा, हुआ फिर यूं कि मुझको शायरी से इश्क हो बैठा। और आइए एक गजल निवेदित करता हूँ बहुत छोटी सी।
कि गम भुलाने का मन नहीं करता, गम भुलाने का मन नहीं करता, गम भुलाने का मन नहीं करता, आने जाने का मन नहीं करता, आने जाने का खोखले मन बनावटीपन से, खोखले मन बनावटीपन से मुस्कुराने का मन नहीं करता, मुस्कुराने का जब से जाना है इश्क धोखा है, जब से जाना है इश्क धोखा है, दिल लगाने का मन नहीं करता, आपका चेहरा ना उतर जाए, आपका चेहरा ना उतर जाए, आपका चेहरा ना उतर जाए, सच बताने का मन नहीं करता, सच बताने का। और ये शेर बता रहे खास कि बेअदब बेलिहाज महफिल में, बेअदब बेलिहाज, बेअदब बेलिहाज महफिल में, बेअदब बेलिहाज महफिल में कुछ सुनाने का मन नहीं करता, कुछ सुनाने का मन नहीं करता। और आखिरी शेर कि ऐसी बोझिल उदास दुनिया में, ऐसी बोझिल उदास दुनिया में फिर से आने का मन नहीं करता, फिर से आने का। हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट नहीं होता है, तब ये गजल हुई है सुनिएगा कि जो तेरे दिल को अच्छा लगे, जो तेरे दिल को अच्छा लगे, ऐसा किरदार पाए कहाँ, जो तेरे दिल को अच्छा लगे, ऐसा किरदार पाए कहाँ, रास्ते खत्म तुम तक मेरे, रास्ते खत्म तुम तक मेरे, तुम ही बोलो कि जाए कहाँ, जो तेरे दिल को अच्छा लगे। शेर सुनिए जिंदगी की हकीकत कि जो मिला वो समझ ना सका, जिसने समझा वो मिल ना सका, जो मिला वो समझ ना सका, जिसने समझा वो मिल ना सका, सबसे कहना भी बेकार है, सबसे कहना भी बेकार है, हाल अपना सुनाए कहाँ, रास्ते खत्म तुम तक मेरे, खुश्क होठों को अपने लिए मैं नदी ढूंढता फिर रहा, खुश्क होठों को अपने लिए मैं नदी ढूंढता फिर रहा, ये जमाना समंदर सा है, ये जमाना समंदर सा है, प्यास अपनी बुझाए कहाँ, रास्ते खत्म। बहुत अच्छा कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आखिरी शेर कि प्यार से कोई मिलता नहीं, कैसा दुनिया का दस्तूर है, प्यार से कोई मिलता नहीं, कैसा दुनिया का दस्तूर है,
आदमी खुद खुदा हो गया। वाह। आदमी खुद खुदा हो गया, सर को अपने झुकाए कहाँ। रास्ते खत्म तुम तक मेरे, तुम ही बोलो कि जान। कौशाम्बी के इस नौजवान शायर, यूं तो ये बहुत नौजवान है, उम्र इसकी कम है, लेकिन शायरी में जो गहराई है वो देखने वाली बात है। और ऐसे शायरों को देखकर लगता है, ऐसे नौजवान नए शायरों को देखकर लगता है कि सचमुच समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के धनी हैं हम सब, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें कुछ अच्छे बड़े नामचीन शायर मिलेंगे। बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए तुम्हारा। तो भाई